आज मालूम नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, लैपटॉप बंद हो रहा है, मालूम नहीं क्यों है, लेकिन थोड़ा सा कह के मैं बंद करूंगी और अगले संडे में जरूर और प्रचार करूंगी, क्योंकि परमेश्वर से जो भी मैंने सीखा है इन दिनों में, उसके साथ जो मैंने समय बिताया है, वो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है। तो मैं प्रकटीकरण 6 और 8 महीने पढ़ा कि हिंसक पशु द्वारा ये महामारी आई है, तो ये बाइबल में लिखा है इसलिए हुआ है, और मुझे यही बताना है कि ये दुनिया का अंत है, ये दुनिया का अंत है, ये नजदीक आ रहा है, और ये परिस्थिति से हमें डरना नहीं है, पीछे नहीं जाना है, हमें तैयार होना है, क्योंकि आने वाले दिन इससे भी भयानक होंगे, इसलिए हमें तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है और प्रभु के पास मांगना है कि इन आखिर दिनों में प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं, और इसके बारे में ही मैं प्रचार करूंगी अगले संडे। आप जरूर देखना और ये जो मैंने वचन दिए हैं आपको वो जरूर पढ़ना। प्रकटीकरण 2:10, प्रकटीकरण 3:10, प्रकटीकरण 6:8 और प्रकटीकरण 6:4, 4 और 8 ये जरूर पढ़ो। और धन्यवाद मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। और एक वचन परमेश्वर ने मुझे दिया था, जब भी वहां पर गए हम, 2 दिन तक हमको कुछ सूझ नहीं रहा था, इतना गर्मी था और कुछ नहीं, सिर्फ मैं ध्यान कर रही थी, ना बाइबल पढ़ा, लेकिन 4th दिन में जब भी बैठी, मैंने परमेश्वर के बोला कि परमेश्वर मुझे एक धाड़स के लिए एक वचन चाहिए, और मुझे तेरा वचन चाहिए कि मैं वो पकड़ कर यहाँ पर रहूं, मैं नहीं डरूंगी। और मैं प्रार्थना में बैठी और परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, प्रकटीकरण उत्पत्ति 15:15 में से कि परंतु तू जो शांतिपूर्वक अपने पूर्वजों के पास जाएगा, तुझे पूर्ण वृद्धावस्था में मिट्टी दी जाएगी। और ये मुझे जब भी वचन मिला, तभी मुझे पता चला कि मैं इस महामारी से मरने वाली नहीं हूं, और ये परमेश्वर का मेरे लिए वादा था। इसलिए हॉस्पिटल का थोड़ा थोड़ा सा खाना आता था, लेकिन घर वालों को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको भी क्वारंटाइन था, और बाहर भी किसी को बुलाना, डॉक्टर बोलते खाना लाना कुछ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर आएगा वो यहाँ की बीमारी लेके ना जाए, ये लिए इस बात के लिए हम डरते थे, और हम बोले हमारे साथ हुआ है, किसी के साथ ना हो। और वहाँ का खाना खाकर भी परमेश्वर ने मुझे तंदुरुस्त रखा है, क्योंकि उसने मुझे ये आश्वासन दिया था कि तू मरेगी नहीं। ये मेरे लिए जो प्रसंग था वो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग था, सीखने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए। और धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद सुनने के लिए, और अगले संडे में फिर से यही सारे वचन में डेप्थ तक परमेश्वर से, या जो मैंने लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हम रस और रोटी में भाग लेते हैं। प्राइज द लॉर्ड रहोबोत, आए हम समय प्रभु के भोज में भाग ले। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है भाई और बहनों, ये बहुत ही सामर्थी, आत्मिक तौर से बहुत ही गहरी चीज है ये, और जो विश्वास से रोटी रस में भाग लेगा, जो वचन में रोटी रस के विषय में, सेवन में के विषय में लिखा है, वो हमारे साथ होगा, कि जो सही मन से और इच्छा से रोटी रस में भाग लेगा वो चंगाई पाएगा, वो छुटकारा पाएगा, वो आशीष बरकत पाएगा, उस पर से श्राप टूटेंगे और वो प्रभु की महिमा देखेगा। आए धन्यवाद के साथ रोटी रस में भाग लेते हैं। प्रभु जी, हम तेरे क्रूस के बलिदान को याद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, परमेश्वर होने के बावजूद तू मनुष्य बना, हमारी खातिर इस धरती पर आया, अपने शरीर को तोड़ा, अपना लहू बहाया, हमारे लिए अपराध सहन किया,
अपमान सहन किया, कोड़े सहन किए, लोगों की धुतकार सहन की। और प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, ये सब कुछ मुझे और कई विश्वासियों को जो वो खुद नहीं कर सकते थे वो तूने करके हम सबको क्षमा दी, चंगाई दी, अनंत काल का जीवन दिया। प्रभु जी जैसे रोटी रस में भाग लेते हैं प्रभु, हम सब लोग प्रभु हम सबके शरीरों में तंदुरुस्ती ताकत बल आए। अगर हमने पाप गुनाह किए हैं, अपराध किए हैं तो हमें क्षमा कर। और प्रभु जी हम हर एक के हृदय मन शरीर आत्मा में तेरी महिमा हो। प्रभु जी यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन। आए पिता ने सिखाए वो प्रार्थना हम सब मिलके करें। Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sin, as we forgive those who sin against us. Lead us not in temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory. Now and forever. Amen. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप सब पर अनुग्रह बनाए रखे, आपकी हर जरूरत को पूरा रखे। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं जैसे सभी के लिए करते हैं, हमारे लिए भी, लता के लिए भी, खास करके अगले 10 दिन उसको क्वारंटीन में रखना है, उसको भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उसको पूरी तंदुरुस्ती और बल और ताकत दे। और हम सबको भी प्रभु अनुग्रह दे, शक्ति दे, चंगाई दे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन। थैंक यू।